Assalamu alaikum to all. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is me, Bushra Mushtaq, from Group 2. Now, I am going to start my presentation. And there are six members included our group. Their name, Reja Ahmed Khan, Samia, Alia, Maria, and Zohra. The topic we have to discuss is about listeria outbreak. First, we discuss about the introduction of Listeria. Listeria monocytogene first emerged as a serious threat to the dairy industry in 1985 when a major outbreak of listeriosis was traced to consumptions of soft Mexican-style cheese in Southern California. Okay, जो Listeria monocytogene है, वो पहली मर्तबा 1985 में एक डेयरी इंडस्ट्री के लिए संगीन खतरा बन के जो है सामने आया था, जिसकी वजह से लिस्टेरियोसिस की एक बड़ी वबा फैल गई थी। उसके बाद लिस्टेरियोसिस को एक ट्रेस किया गया था सॉफ्ट मैक्सिकन स्टाइल चीज के अंदर, यानी कि साउथर्न कैलिफोर्निया में। विद अदर डेयरी रिलेटेड आउटब्रेक्स की अगर बात की जाए तो उसमें इन्वॉल्व था पैस्चराइज मिल्क था, जो रॉ मिल्क से जो इन्वॉल्विंग हो रही थी उसमें पैस्चराइज मिल्क था, और दूसरी टाइप की जो चीज थी वो प्रिपेयर की जा रही थी रॉ मिल्क से, जिसके अंदर लिस्टेरिया को रिपोर्ट किया गया था। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन इज एंडेमिक टू डेयरी फार्म्स एंड टू लेसर एक्सटेंट डेयरी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज वेयर दिस पैथोजीन इज टिपिकली कंसिडर्ड एज अ पोस्ट पैस्चराइजेशन कॉन्टामिनेंट। ये जो लिस्टेरिया है इसकी एक एंडेमिक बन गया था डेयरी फार्म के लिए। डेयरी फार्म था ये, इससे रिलेटेड जितनी वहाँ वो तमाम इंडस्ट्री जहाँ पर दूध से तैयार की जा रही थी एशिया जो तैयार की जा रही थी, वहाँ पर ये एक एज अ पैथोजिन जो है पोस्ट पैस्चराइजेशन कॉन्टेमिनेंट बन गया था, जो आलूदगी फैला रहा था। अनलाइक मैनी अदर बैक्टीरिया फूड बॉर्न पैथोजेंस, एल मोनोसाइटोजेंस कैन ग्रो इन मिल्क एट रेफ्रिजरेशन temperature and reach potentially infectious levels in certain high moisture and surface rapid cheese. Unlike दूसरे bacteria की तरह क्या था कि इस ये bacteria जो है refrigeration temperature पे भी at least grow कर सकता है, यहाँ तक के यानी कि उसके लिए ये मुमकिन है कि वो जाकर refrigeration पे भी उसके temperature पे भी जाके grow कर जाता है और कुछ ऐसी वहाँ पर भी जाके infections cause करता है। जो high moisture होती हैं चीज़ें और cheese जो ripped हो जाती है उसकी surface पर, वहां जाकर भी ये इंफेक्शन को कॉज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आई डिस्कस आउटब्रेक। द जीनस लिस्टेरिया करेंटली 17 स्पीशीज, इसकी जो अभी तक बताई गई है 17 स्पीशीज को बताया स्पीशीज बताई गई है। फर्स्ट आउटब्रेक इन ह्यूमंस नोवा स्कॉटिया कैलिफोर्निया इन 1981 के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर इसका फर्स्ट आउटब्रेक ह्यूमंस में हुआ। फर्स्ट रिपोर्टेड आउटब्रेक इन द यूएस कैलिफोर्निया इन 1985। फर्स्ट रिपोर्टेड आउटब्रेक जो था इसका यूएस में हुआ था 1985 के अंदर। मोस्ट लीथल आउटब्रेक 142 पीपल वर इफेक्टेड एंड 48 डेथ्स, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 142 पीपल इससे इफेक्ट हुए थे और 48 डेथ्स हुई थी। पैथोजेंस वाज डिटेक्टेड इन अनओपन्ड पैकेजेस, इसका जो पैथोजिन है उसको ज्यादातर जो डिटेक्ट किया गया था उन चीजों से डिटेक्ट किया गया था जो अनओपन्ड थी। Then 34 pregnant women and 7 adults were affected. इसका जो ज्यादा इफेक्शन हुआ था वो प्रेगनेंट वुमेन्स के लिए था, उस पर ज्यादा इफेक्ट किया था ये बैक्टीरिया, और 7 adults भी इसके अंदर शामिल थे। एल मोनोसाइटोजीन्स अकाउंट फॉर 98% ऑफ वुमेन केसेस, इसका जो अभी तक है 98% जो है वुमेन केसेस के अंदर इसको किया गया है। आइडेंटिफाइज ह्यूमन पैथोजीन इन 1929 बट रिकॉग्नाइज इन 1986 बाई WHO. 1929 के अंदर इसको एज अ ह्यूमन पैथोजन आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया था 1986 के अंदर। फूड बॉर्न ट्रांसमिशन अपीयर्स टू द मेजर मींस ऑफ जूनेटिक ट्रांसमिशन, इसकी जो ट्रांसमिशन अपीयर हो रही थी ज्यादातर वो जूनेटिक ट्रांसमिशन से हो रही थी, और जूनेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पर इसका जिक्र किया गया कि इस तरह की डिजीज होती है जो एनिमल से ह्यूमन पे ट्रांसफर हो सकती है या ह्यूमन से एनिमल में भी ट्रांसफर हो सकती है, उसको जूनेटिक ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया था ये जूनेटिक ट्रांसमिशन के जरिए भी अपियर हो रहा था। ओके, नेक्स्ट आई डिस्कस पैथोजेनेसिस। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर
सीवियर इन्फेक्शन इन ह्यूमन्स एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल स्पीशीज। ये एक जो है बहुत ज्यादा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल हुआ, सेवियर इन्फेक्शन इसने कॉज किया ह्यूमन्स के अंदर भी, और एक लार्ज वेराइटी थी एनिमल स्पीशीज की जिसके अंदर जाके इसने जो है इन्फेक्शन को कॉज किया। इट इज अ फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैथोजन व्हिच इन्वेड्स मैक्रोफेजेस एंड मोस्ट टिश्यू सेल ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट वेयर इट कैन प्रोलिफरेट। ये जो लिस्टेरिया है ये एक फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर है जो क्या करता है मैक्रोफेजिस के अंदर जाके इन्वेड होता है और उसके बाद मोस्ट टिश्यूज में उसको इन्फेक्ट करता है होस्ट के अंदर जाके, और वहां पर जाके ये प्रोलिफरेट हो जाता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया इसके लिए फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर, तो इसके मींस जो है कि ये कैपेबल होता है रिप्रोड्यूस कर सकता है ये इनसाइड भी और आउटसाइड होस्ट सेल के अंदर। इसके अलावा इसकी और भी एग्जाम्पल है लिस्टेरिया के अलावा, और भी एस टाइपी भी जो है जो ये फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर होता है। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम की स्पीशीज है वो भी फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर है, नाइजेरिया है, और भी अदर एग्जाम्पल्स हैं। ओके, देन द वायरल्स फैक्टर्स इंक्लूड इंटरनेलिन लिस्टेरियोलाइसिन ओ phospholipase are encoded by chromosomal genes organized in operons. The bacteria escape from the phagosomal compartment and enter the cytoplasm. उसके बाद इसके वायरल इंस्पेक्टर्स देखे गए जिसके जरिए ये कॉज कर रहा था इन्फेक्शन को। सबसे पहला वायरल इंस्पेक्टर इसका इंटरनेलिन बताया गया। सो इंटरनेलिन जो एक सरफेस प्रोटीन होती है जो फाउंड होती है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन के अंदर। देन बताया गया है लिस्टेरियोलाइसिन ओ। लिस्टेरियोलाइसिन ओ जो है ये हीमोलाइसिन के जरिए प्रोड्यूस होता है, जो इसी लिस्टेरिया मोनोसाइट के अंदर प्रोड्यूस होता है। देन फोस्फोलाइपेस का जिक्र किया गया है। सो फोस्फोलाइपेस एक एंजाइम है जो हाइड्रोलाइज कर देता है फोस्फोलाइपेस को इन फैटी एसिड के अंदर। इसको इनकोड किया गया था क्रोमोसोमल जीन्स के अंदर। द बैक्टीरिया एस्केप फ्रॉम फैगोसोमल कंपार्टमेंट इंटर द साइटोप्लाज्म। ऐसे बैक्टीरिया जो फैगोसोमल कंपार्टमेंट से एस्केप हो चुके थे देन वो वापस जाके इंटर हो गए थे साइटोप्लाज्म के अंदर। देन दे सेपरेट फ्रॉम सेल टू सेल बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्टिन पॉलीमराइजेशन। उसके बाद ये इतना स्प्रेड हुआ सेल टू सेल एक प्रोसेस के जरिए स्प्रेड होता गया जिसको एक्टिन पॉलीमराइजेशन कहा गया है। और एक्टिन पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होता है के हाइड्रोलाइसिस करता है एटीपी से एडीपी के अंदर। ओके, इन इन्फेक्टेड होस्ट द बैक्टीरिया क्रॉस द इंटेस्टाइनल वॉल एट पेयर पैचेस टू इन्वेड द मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स एंड द ब्लड। उसके बाद जो इन्फेक्टेड होस्ट के अंदर इन्फेक्टेड होस्ट में जो बैक्टीरियल वॉल को पेयर पैचेस के अंदर जो इंटेस्टाइनल वॉल थी उसके पेयर पैचेस के अंदर, पेयर पैचेस आप कह सकते हैं कि स्मॉल मास होता है लिम्फेटिक टिश्यूज के अंदर जो कि बिल्कुल इलियम रीजन के यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये फाउंड होता है उसको पैर पैचिस कहते हैं। तो बैक्टीरिया वहां तक क्रॉस की इंटेस्टाइनल वॉल को पैर पैचिस से होता हुआ क्रॉस कर गया टू इन्वेड द मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स एंड द ब्लड। ब्लड के अंदर और मेसेंट्रिक लिम्फ नोड जो वहां से अटैच थी वहां तक। द मेन टारगेट ऑर्गन इन द लिवर वेयर द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इनसाइड हेपेटोसाइट। जिसका मेन टारगेट ऑर्गन था जहां पर ये ज्यादातर मल्टीप्लीकेशन कर रहा था वो लिवर था और बैक्टीरिया जाके मल्टीप्लाई हो रहा था हेपेटोसाइट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट आई डिस्कस एपिडेमियोलॉजी। ओके, द इंसिडेंस ऑफ लिस्टेरियोसिस अपीयर्स टू बी ऑन द इंक्रीज वर्ल्ड वाइड विद द नंबर ऑफ केसेस राइजिंग एस्पेशली इन यूरोप। अगर पूरी दुनिया के हवाले से बात की जाए तो उसके सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ केसेस देखे गए थे वो यूरोप के अंदर देखे गए। द एनुअल एंडेमिक डिजीजेस रेट वेरीज फ्रॉम 2 to 15 केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन। इसका जो एनुअल रेट एंडेमिक डिजीज का निकाला गया या देखा गया तो वो 2 to 15 केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन था और पब्लिश रेट जो इसका हुआ 1.6 से लेकर 14.6 तक हुआ। वेदर दिस रिफ्लेक्ट्स अ ट्रू इंक्रीज इन नंबर्स और इज ड्यू टू बेटर diagnosis and increase awareness of the disease is unclear. इसका जो अभी तक एक कह सकते हैं कि इसके अबाउट डायग्नोस करना या इसकी अवेयरनेस को इंक्रीज करना ये अभी तक अनक्लियर है। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसके अबाउट अभी तक बताया नहीं गया है। However, there is no doubt that the susceptible population is increases are the numbers and the types of foods in which listeria monocytogen is able to survive and grow. इसके अलावा इसमें कोई शक नहीं कि जो सबसेप्टेबल पॉपुलेशन है उसमें ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है एज आर द नंबर्स एंड द टाइप्स ऑफ फूड। जिस तरह
फूड की भी टाइप बढ़ती जा रही है, तरह तरह के फूड आते जा रहे हैं, तो उसमें भी बहुत से चांसेस है कि लिस्टेरिया जो है वहां जा के भी सर्वाइव कर सकता है और ग्रो कर सकता है. ओके, नेक्स्ट पीपल एट रिस्क, यानी कि उनके अबाउट जिनको बहुत ज्यादा खतरा होता है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा लिस्टेरिया चांस होते हैं होने के. अकॉर्डिंग टू FDA एंड CDC एंड अदर पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल एट इंक्रीज रिस्क फॉर बीइंग इन्फेक्टेड एंड बिकमिंग सीरियसली इल विद लिस्टेरिया इंक्लूड द फॉलोइंग ग्रुप. तो कुछ ग्रुप्स के अबाउट उन्होंने बताया कि FDA और CDC हमारी पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जरिए ये बात मालूम हुई. ओके, फर्स्ट पे जो सबसे पहले आती हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन्स आती हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं लिस्टेरिया इन्फेक्शंस के. सो दे आर अबाउट 10-20 टाइम्स मोर लाइकली देन अदर हेल्दी एडल्ट्स टू गेट लिस्टेरियोसिस. उन वुमेन्स के मुकाबले में जो प्रेग्नेंट नहीं होती, लेकिन एज कम्पेयर टू वो वुमेन जो प्रेग्नेंट है, तो उसमें 10-20 टाइम्स जो है इसके चांसेस होते हैं लिस्टेरियोसिस होने के. अबाउट 1/3 ऑफ लिस्टेरियोसिस केसेस हैपन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. पीटर्स आर ऑल्सो हाईली ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन एंड सेवियर कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से जो फीटर्स है वो ज्यादा उसकी हाईली ससेप्टेबल भी हो सकता है और उसकी डिलीवरी वगैरह में भी बहुत ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं. नेक्स्ट इज न्यूबॉर्न्स. न्यूबॉर्न्स कैन डिवेलप थ्रेटनिंग डिजीजेस फ्रॉम पेरिनेटल एंड न्यूनेटल इन्फेक्शन. Persons with weakened immune systems, persons with cancer, diabetes, kidney or gastrointestinal disease. Newborns के हवाले से अगर बात की जाए तो उनके लिए भी एक बहुत खतरनाक ये बैक्टीरिया साबित हुआ है कि वो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, जिसमें पेरिनेटल भी आ जाते हैं, न्यूनेटल भी आ जाते हैं, यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज का भी यहाँ पे बताया जा सकता है कि उनमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, और जो आफ्टर बर्थ जो बेबीज होते हैं उनमें भी इन्फेक्शन ही कॉज हो सकता है. या ऐसे पर्सन जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है, और ऐसे पर्सन जो जिनको कैंसर हो या डायबिटीज हो या किडनी का कोई इश्यू हो, कोई भी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज हो, तो उन पे ज्यादा ये इफेक्ट करेगा बैक्टीरिया. ओके, नेक्स्ट इज पर्सन विद HIV/AIDS. इस तरह के पर्सन की बात की जाए जिनका HIV/AIDS या पॉजिटिव हो, तो उनमें भी ये बैक्टीरिया के ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें जाके इन्फेक्शन कॉज कर सके, क्योंकि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से अगर उनको ये इन्फेक्शन कॉज होता है उनके लिए बहुत खतरे का बाइस हो सकता है. HIV आर ऑलमोस्ट 300 टाइम्स मोर लाइकली टू गेट लिस्टेरियोसिस देन पीपल विद हेल्दी इम्यून सिस्टम. अगर जिनका हेल्दी इम्यून सिस्टम है उनसे अगर कंपेयर किया जाए ऐसे पर्सन को जिनको HIV या AIDS है, तो 300 टाइम्स ज्यादा जो है ये लिस्टेरियोसिस कॉज कर सकता है HIV में और AIDS के अंदर. ओके, नेक्स्ट इज पर्सन ऑफ एडवांस एज. वन रिस्क असेसमेंट शो पीपल ओवर 60 ईयर्स all were 2.6 times more likely to develop listeriosis than the general population. The median age of diagnosed cases in people who were not pregnant was 71 years old. जो advanced age का जिक्र किया गया, यानी कि जो 60 overs होते हैं, जिनकी ये 60 over है, उसमें 2.6 times जो है इसका listeriosis develop होने के chances होते हैं. इसके अलावा जो median age में diagnose किया गया था ये cases को, इस वो woman जो pregnant नहीं थी, 71 ईयर्स ओल्ड जो जिनकी एज थी उसमें से इसको डायग्नोस कर लिया गया था. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द रिमेनिंग पार्ट और नेक्स्ट हेडिंग दैट विल बी डिस्कस अबाउट सामिया. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू. लेट्स डिस्कस अबाउट द इन्फेक्शन साइकिल ऑफ लिस्टेरिया. फर्स्ट द बैक्टीरिया लिस्टेरिया मोनोसाइट जैसे ही एंटर करता है, उसके बाद होता है फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस अकर होता है. फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि जो जस्ट बैक्टीरिया है उसका सेल्स वो क्या करता है, उसको इंगल्फ कर लेता है, और वहाँ पे लाइजोसोम्स और फेगोसोम्स के आपस में फ्यूजन होकर वो फेगोलाइजोसोम्स बनाते हैं. उसके बाद आगे कंटिन्यू होता है द लाइसिस ऑफ फेगोलाइजोम्स. मीन के उस लाइसिस जरूरी है बिकॉज फेगोलाइजोम्स को जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया जो है पैथोजेंस जो है कंटेन वैक्यूल्स के अंदर, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैक्यूल्स के अंदर जो बैक्टीरिया हैं पैथोजेंस हैं, तो वो क्या करेंगे, वो रेप्लिकेट नहीं हो पाएंगे. इसलिए लाइसिस ऑफ फेगोलाइजोम इसलिए जरूरी है इनटू द साइटोसोल टू रेप्लिकेट. फेगोसोम्स क्या करते हैं, एस्केप्स इज लार्जली मेडिएटेड बाय द कोलेस्ट्रॉल डिपेंडिंग साइटोलाइसिन लिस्टेरियोलाइसिस ओ. लिस्टेरियोलाइसिस के जरिए वो क्या करते हैं, उस लाइसिस होती है फेगोलाइजोसोम्स की विच इज एसेंशियल फॉर लिस्टेरिया वायरोलेंस. उसके बाद पॉलीफ्रेशन का प्रोसेस अगर होता है, मीन्स के बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो रही है, रैपिडली हो रही है, वो सेल्स को
अपनी सेल्स की रिप्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं एंड देन उसके बाद उसकी प्रोटेक्शन होती है एक्टिन बेस्ड लोकोमोशन की. एक्टिन बेस्ड लोकोमोशन इज अ माइक्रोफिलामेंट्स एंड प्रोटीन. द प्रोटीन एक्टिन फॉर्म फिलामेंट दैट प्रोवाइड सेल विद मैकेनिकल सपोर्ट एंड ड्राइविंग फोर्स फॉर मूवमेंट. एक्टिन फिलामेंट क्या है, एज अ प्रोटीन वर्क करता है एंड वो फिलामेंट्स को क्या करता है, आगे सेल को प्रोवाइड करता है और उसकी फोर्स लगाता है ताकि वो मूविंग करे और उसको टू सेल्स में डिवाइडेड कर देता है, जो एक फ्लोपेट फॉर्मेशन है मैक्रोफेज के अंदर. फ्लोफेट फॉर्मेशन क्या है, वो एज अ काम करता है ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स सेल्स फॉर फेगोसाइटोसिस एंड द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया बिटवीन सेल टू इन्वेड द अम्यून टू द होस्ट सेल्स ऑफ द अम्यून सिस्टम. ये एक्टिन फिलामेंट आया लोकोमोशन से, इसने क्या किया, डिवाइड किया टू सेल्स. एक्टिन बेस क्या है, द प्रोटीन है, इसने क्या किया, डिवाइड किया टू सेल्स में, तो एक सेल्स क्या हो गई, सेल टू सेल स्प्रेड हो गई और लाइव इन्फेक्शन साइकिल ऑफ लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस ऐसे ही कंटिन्यू हो गई. और जो हमें पता है कि लिस्टीरिया जो क्या है, इज अ नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, इसलिए फ्लोपेट फॉर्मेशन क्या है उसके अंदर है ताकि वो क्या कर सके, इन्वेड कर सके होस्ट इम्यून सिस्टम को. उसके बाद एक एग्जांपल है इन्फेक्शन साइकिल एक और है कि कैसे होते हैं. इंस्टेंट टाइम से लिम्फ नोड में कंटिन्यू होता है, वो ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, यानी कि बैक्टीरिया इनके ब्लड में क्या हो गया, वो बैक्टीरिया इंक्लूड हो गया. देन वो क्या करता है, लिवर एंड स्प्लीन्स के जरिए उसको इन्फेक्ट करने के बाद वो ब्रेन में एंड फ्यूटस के अंदर ट्रांसफर होता है थ्रू प्लेसेंटा. हमें पता है कि प्लेसेंटा क्या है, फीटस और मदर के आपस में कनेक्शन है, तो उसके जरिए वो क्या होता है, प्रेगनेंट वुमन के अंदर वो इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो फीटस को भी क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से लिस्टेरियोसिस कॉज्ड होती है. नेक्स्ट सिम्टम. सिम्टम क्या है, द सिम्टम ऑफ दिस डिसीज कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर इफ द बैक्टीरियम अफेक्ट अ पर्सन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ही और शी में एक्सपीरियंस डायरिया. मींस कि क्या होगा, इससे एक सबसे मेन सिम्टम है कि डायरिया होगी, लूजी वाटरी स्टूल होगा, फीवर, स्टिफ नेक, कन्फ्यूजन होगी, यानी कि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है एंड वॉमिटिंग. इफ द बैक्टीरियम मूव बियॉन्ड एंड द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट द पर्सन में एक्सपीरियंस अ मोर सीवियर फॉर्म ऑफ लिस्टेरियोसिस. प्रेगनेंसी सिम्टम कौन में क्या होगी, फ्लू ज्यादा होगा, मसल्स एक होंगे, मिसकैरेज होगी, स्टिल बर्थ. स्टिल बर्थ मीन के आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी उनकी मिसकैरेज हो जाएगा और देन प्रीमैच्योर डिलीवरी होगी, यानी कि बेबी प्रीमैच्योर होगा, उसकी मैच्योरनेस पूरी नहीं होगी. नेक्स्ट प्रिवेंशन, हम इस लिस्टेरियोसिस से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. थ्री वेज है, वॉश योर हैंड प्रॉपरली, यानी कि वॉशिंग योर हैंड थ्रो वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फूड एंड बिफोर यू ईट, कट डाउन ऑन द स्प्रेड ऑफ मोस्ट फूड बॉर्न इलनेस इंक्लूडिंग लिस्टेरियोसिस. अगर हम जैसे कोई भी चीजें यूज करें तो अपने हैंड क्या करें, प्रॉपरली यूज करें या प्रिपेयर करें फूड को, तो उससे भी पहले क्या करना चाहिए, बिल्कुल फूड को भी अच्छी तरीके से धोना चाहिए और हाथ को भी अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए. या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह कट कर रहे हैं तो वो क्या करना चाहिए, उसको बिल्कुल प्रॉपरली हाथ वगैरह और फ्रूट्स वगैरह को बिल्कुल सही तरीके से धो लेना चाहिए. देन ए फुली कुक मीट, अंडर कुक मीट आर पॉपुलर बट दे इंक्रीज द चांस ऑफ फूड बॉर्न इलनेस. कुछ लोग होते हैं कि अनकुक्ड मीट ज्यादा पसंद करते हैं खाना, पर ये क्या होता है, इससे लिस्टेरियोसिस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो हमें चाहिए कि मीट्स को जो है वो बिल्कुल कुक करें उसके टेम्परेचर तक, यानी कि उसको अनकुक ना रखें. इस तरीके से प्रिवेंट करने से हम लिस्टेरियोसिस की डिसीज से बच सकते हैं. नाउ द रिमेनिंग प्रेजेंटेशन इज कंटिन्यू बाय मारिया. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नाउ वी विल डिस्कस करैक्टरिस्टिक्स. करैक्टरिस्टिक्स क्या है लिस्टेरिया के, लिस्टेरिया इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम डॉट शेप का होता है. उसके बाद लिस्टेरिया जो है वो नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है that is widely distributed in the environment and isolated primarily from soil, silage, water, food and food processing environment. और हमें लिस्टेरिया जो है वो हमारे environment में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. और उसके बाद ये हमें कहाँ कहाँ से हासिल हो सकता है, जैसे हम इसे कहाँ कहाँ से soil से, silage, water, food और वो जगह जहाँ polluted area जहाँ पे food जो है prepared किया जाता है वहाँ से भी हमें लिस्टेरिया इजली मिल सकता है. इट अपीयर्स टू मेंटेन इटसेल्फ सेप्टोफाइट इन डिकम्पोजिंग प्लांट मटेरियल्स कंसीडर टू बी नेचुरल हैबिटेट ऑफ लिस्टेरिया. लिस्टेरिया जो है वो आमतौर से लिस्टेरिया का नेचुरल हैबिटेट जहाँ वो पाया जाता है वो कहाँ देखा गया है, कि जो प्लांट जो डेट ऑर्गेनाइजम्स जो होते हैं प्लांट के, जो प्लांट जो है वो डेट हो जाता है तो
वहां पे जो उनमें जो है लिस्टेरिया स्पेशी पाई जाती है वहां पे वो ज्यादातर रहते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं और वही उनका नेचुरल हैबिटेट है। ऑल नो लिस्टेरिया स्पेशी ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एम्बियंट ऑक्सीजन एंड दोज दैट हैव बीन कैरेक्टराइज एक्सटेंसिवली हैज बीन शो टू बी फैकल्टेटिव एनएरोब्स एबल टू ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज फैकल्टेटिव माइक्रोफिल्स एरोफिल्स प्रेफरिंग बट नॉट रिक्वायरिंग रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल। हम सब जानते हैं कि ये जो लिस्टेरिया स्पेशी है ये जो ऑक्सीजन के ज्यादा जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा तादाद में कसरत से पाया जाता है वहाँ पे भी ग्रो करती है, लेकिन जो अब हमने देखा है कि लिस्टेरिया की जो स्पेशी की तादाद इस कदर बढ़ गई है कि अब इन्हें ये जरूरत नहीं होती है कि ये ज्यादा ऑक्सीजन में ग्रो करे, जबकि अब इनकी ये एबिलिटी भी है कि ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी ये ग्रो कर सकते हैं। ये एनएरोब्स भी हैं और एज वेल एज फैकल्टेटिव माइक्रो एरोफिल्स भी हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन कम तादाद में भी हो वो वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, द जेनस लिस्टेरिया इंक्लूड 15 स्पेशीज 9 ऑफ विच हैज बीन ओनली रिसेंटली डिस्क्राइब्ड सिंस 2019। जेनस लिस्टेरिया की जो स्पेशी है वो मैक्सिमम जो है वो 15 स्पेशीज पे कंसिस्ट करती है जिसमें से 9 जो है वो हमने रिसेंटली जो 9 जो है वो रिसेंटली डिस्क्राइब हो चुकी है 2019 तक। ठीक है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस सजेस्ट फॉर डिस्टिंक्ट क्लैट्स विद इन द जेनस लिस्टेरिया। अब उसको जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में जो लिस्टेरिया की जो स्पेशी है उन्हें 4 क्लैट्स में डिवाइड किया गया है या 4 क्लैट्स में सजेस्ट किया गया है, जिसमें क्लैट 1 में सारे लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स आते हैं और जिसमें उसमें 5 अदर स्पेशीज भी आते हैं। क्लैट 2 में जो है वो 3 टाइप की लिस्टेरिया स्पीशीज आती है, क्लैट 3 में जो है वो 5 स्पीशीज आती है और ये सारे जो रिसेंटली जो है क्लैट 3 के वो सारे जो है आइडेंटिफाई हो चुके हैं। क्लैट 4 में जो है वो लिस्टेरिया ग्राइवी आती है, लिस्टेरिया स्पेशी आती है जो हमें फूड या फिर फूड से रिलेटेड जो हमारा इन्वायरमेंट है जहाँ पे पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट जहाँ पे फूड प्रिपेयर किया जाता है वहाँ से हमने आइसोलेट किया है। व्हाइल द मेजोरिटी ऑफ द नोवेल स्पेशी रिसेंटली आइडेंटिफाई वर फ्रॉम अदर इकोसिस्टम्स सॉइल वाटर एंड प्लांट्स। अब उसके अलावा जो हमें जो बहुत सारे लिस्टेरिया की बहुत सारी जो स्पीशीज है वो हमने रिसेंटली आइडेंटिफाई की हमारे इकोसिस्टम से, मतलब के सॉइल से, वाटर से और प्लांट से। विद इन द जेनस लिस्टेरिया, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस इज ओनली स्पेशी दैट इज पैथोजेनिक टू बोथ ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स। इस लिस्टेरिया के बहुत सारे जेनस में लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस जो स्पेशी है वो एक ऐसी स्पेशी है जो बहुत ज्यादा पैथोजेनेसिस कॉज करने की, बहुत ज्यादा बीमारी कॉज करने की एबिलिटी रखती है ह्यूमन में भी और एज वेल एज वर्टिब्रेट्स में भी, मतलब वो वर्टिब्रा जो बैकबोन रखते हैं। व्हाइल लिस्टेरिया इनवी इज पैथोजेनिक ओनली टू रेमिनेंट, और जो लिस्टेरिया इनवेनुमी जो पैथोजेन है वो सिर्फ और सिर्फ उन एनिमल्स में कॉज बीमारी पैथोजेनेसिस कॉज करती है जो क्यू करके मतलब चबाते से अपनी को हासिल करते हैं या अपनी वजह लेते हैं, जैसे कि डियर हो गया, गॉट्स हो गए, ये सब। नेक्स्ट, अब हम सोर्सेस ऑफ लिस्टेरिया की तरफ देखेंगे कि ये लिस्टेरिया हम कहाँ कहाँ से हमारे अंदर हम इंटेक कर सकते हैं। सोर्सेस ऑफ लिस्टेरिया क्या है? रेडी टू ईट डेली मीट, रेफ्रिजरेटेड पेटीज और स्प्रेड, अनपैस्टराइज मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, रेफ्रिजरेटेड स्मोक सी फूड, रॉ स्पॉट। जो लिस्टेरिया स्पेशल जो आमतौर पर जो है हम जो मीट जो खाते हैं जो अनवेल कुक मीट होता है जो जिसे हमने ज़्यादा नहीं कुक किया होता है उससे हमें लिस्टेरिया इंटेक करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद जो ज्यादा लिस्टेरिया जो है वो हाई लो टेम्परेचर में भी अबाउट रेफ्रिजरेटर का जो 4 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है उसमें भी ग्रो करने की एबिलिटी रखता है। तो ये जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में भी जो हम चीजें रखते हैं जैसे पेटीज वगैरह और बाकी चीजें तो उसमें भी जो है ये ग्रो ईजिली कर सकता है। उसके अलावा अनपैस्टराइज मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है। उसके अलावा जो स्मोक फिश वगैरह हैं सी फूड उसमें भी पाया जाता है और वो वेजिटेबल्स या ऐसी चीज़ें जो हम अनकुक खाते हैं जैसे कि फूल गोभी वगैरह और बाकी जो हम एज अ सैलड वगैरह यूज करते हैं। नेक्स्ट,
अब हम इसकी देखेंगे डायग्नोसिस के इस हमें हम इस लिस्टेरिया स्पेशी को किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं उसकी किस तरह से उसे किस तरह से उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। लिस्टेरियोसिस इज यूजुअली डायग्नोस्ड व्हेन अ बैक्टीरियल कल्चर आर टाइप ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट ग्रो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस फ्रॉम अ बॉडी टिश्यू और फ्लूइड सच एज ब्लड स्पाइनल फ्लूइड और प्लेसेंटा। लिस्टेरियोसिस को हम आमतौर पर किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं, किस तरह से कल्चर कर सकते हैं कि ये जब हम इसे बैक्टीरियल कल्चर पर ग्रो करवाते हैं लेबोरेटरी टेस्ट में, तो ये जो लिस्टेरिया मोनोसाइट्स की जो स्पेशी है वो हम ब्लड टिश्यू से भी हासिल कर सकते हैं, फ्लूइड से भी, ब्लड जैसे कि सच एज ब्लड भी हो गया, ब्लड से भी हासिल कर सकते हैं, स्पाइनल फ्लूइड से भी हासिल कर सकते हैं और प्लेसेंटा से भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब डिजीज कॉज बाय लिस्टेरिया, अब हम वो बीमारी देखेंगे जो लिस्टेरिया स्पेशी की वजह से कॉज होती है, उसकी वजह से होती है, ठीक है। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस जो ह्यूमन बॉडी में जो कॉज करती है वो डिजीज को क्या है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस जो है वो फिकल्टेटिव इंट्रासेलुलर बैक्टीरियम है दैट हैज प्रेडिलेक्शन ऑफ फॉर कॉजिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन इन ह्यूमंस एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ये जो है लिस्टेरिया स्पेशी वो फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है और ये जो है वो ह्यूमन के और साथ में जो घरेलू जानवर है उसके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो बीमारी जो है या इन्फेक्शन जो है वो कॉज करती है। दिस पैथोजन कैन बी फाउंड वर्ल्ड वाइड इन द फूड सप्लाई एंड मोस्ट लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस इन्फेक्शन आर एक्वायर्ड थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड। ये जो पैथोजिन जो है लिस्टेरिया का ये जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है और उसके अलावा जहाँ जहाँ खाना सप्लाई होता है जहाँ तक खाने पूरे वर्ल्ड में जहाँ तक जहाँ जो जो एनवायरमेंट है जहाँ पे खाना बनता है यहाँ पे या फिर खाया जाता है वहाँ पे ज़्यादातर ये लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस की इन्फेक्शन वहाँ पे पाया जाता है। और ये जो है वो हमारे इंजेक्शन करने की सूरत में, जैसे अगर हम कोई कंटेमिनेटेड फूड खा लें तो उसके जरिए हमारी बॉडी में इंजेस्ट होता है, हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होता है। द मेन क्लिनिकल सिंड्रोम्स कॉज बाई लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस इंक्लूड फिब्राइल गैस्ट्रोएंटेराइटिस पेरिनेटल इन्फेक्शन एंड सिस्टेमिक इन्फेक्शन मार्क बाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन विच और विदाउट बैक्टीरिया। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस जो है उसमें डिजीज जो आती है वो फेब्राइल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, पेरिनेटल इन्फेक्शन है, मतलब जो हमारे मेदे वगैरह के सिक की जो बीमारी है वो, और जो जो न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो, और सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के होता है जिसमें जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया ब्लड में मौजूद हो या फिर ना हो। नेक्स्ट, अब हम थोड़ी सी इसकी डिटेल देखेंगे कि एक्सक्यूज मी, बात सुनो, एक सवाल है मेरा। अच्छा, जो लिस्टेरियोसिस जो है वो ज्यादातर आमतौर पर प्रेग्नेंट वुमेन में होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और उसके अलावा जिनका वीक इम्यून सिस्टम है उनमें, और जो ओल्डर होते हैं जो मतलब 60+ एज के होते हैं या 55 उनमें ज्यादा चांसेस है। उसके बाद लिस्टेरिया जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन से जो है वो न्यू बॉर्न बेबीज में भी ट्रांसफर होता है। उसके अलावा जो लिस्टेरिया जो है वो हमारे चेस्ट और एब्डोमेन बोन्स और जॉइंट्स वगैरह में इन्फेक्शन कॉज करता है। उसके अलावा ये जो है मेनिनजाइटिस और सेप्टिसीमिया, मतलब कि हमारी जो ब्रेन और के वजह से डेड भी हो सकती है। रॉ स्प्रॉट्स में पाया जाता है, मतलब जो हम अनकुक वेजिटेबल्स खाते हैं, उसके अलावा सॉफ्ट चीज में, अनपेस्टराइज या रॉ मिल्क में, स्पोक फिश में, और उसके अलावा मीट अनवेल कुक मीट वगैरह में और हॉट डॉग वगैरह में। नेक्स्ट, के बाद है ट्रीटमेंट। लिस्टेरिया इन्फेक्शन आर ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, कॉम्प्लिकेशंस में रिक्वायर एडिशनल ट्रीटमेंट अप्रोच एज वेल। अच्छा, लिस्टेरिया की जो ट्रीटमेंट जो है वो इन्फेक्शन की जो ट्रीटमेंट है वो हम एंटीबायोटिक्स के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को एंटीबायोटिक्स कॉम्प्लिकेशन आ रही है, अगर उसका ट्रीटमेंट सही नहीं हो पा रहा है, तो हम उसके उसको फिर
किसी और तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जो लिस्टेरिया में दी जाती है, आमतौर पर जो एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है लिस्टेरिया की ट्रीटमेंट के लिए, वो कौन कौन सी है? एम्फिसिलीन है और अ कम्बिनेशन ऑफ एम्फिसिलीन एंड जेंटामाइसिन। उसके अलावा जो वो जो आमतौर पर जो एलर्जिक होते हैं एम्फिसिलीन से, जिन्हें एलर्जी होती है इस एंटीबायोटिक्स से, तो उन्हें हम आमतौर पर बैक्ट्रीन देते हैं, ट्राइमोट्रोप्रीम देते हैं और सल्फा मेथोक्सोल देते हैं। उसके अलावा जो कुछ जो एंटीबायोटिक्स जो हैं, अगर हमें चाहिए उसमें क्या होता है, सेकंड लाइन एंटीबायोटिक्स की भी नीड होती है, जैसे कि रिथ्रोमाइसिन। इसके अलावा जो है वो जो इसकी ट्रीटमेंट में जो हम ओरली एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, जैसे कि इंजेस्ट करवा के भी, जैसे कि अगर सीवियर केसेस हो गए, नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गए और आम एंटीबायोटिक्स से ये नहीं स्टॉप हो रही है, तो फिर हम उसे ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसमें जो है वो इंट्रावेनस 4 है, जो हम उसे वेन के जरिए इंजेक्ट करते हैं और फिर उससे उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट And अच्छा, that's the end of my presentation. I hope you enjoy it. Thank you so much for your patience and attention. बहुत बहुत अच्छा presentation.